आप लोगों को शायद नहीं पता हो, खोखा इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत पुराना खेल है, क्योंकि ये माटी का खेल है। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर थानी आपको एक खोखो का खिलाड़ी जरूरी है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ खोखो के बारे में, आई सी अ ग्लिंट इन द आई, वो कहता है मैंने भी खोखो खेला है। क्यों? क्योंकि इसे पैसे नहीं लगते थे खेलने में, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता था खेलने में, तो जहाँ गली मोहल्ले में लोग इकट्ठा हुए, चलो खोखो खेलते, ये अपनी माटी का खेल। पहला वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में करने जा रहे हैं और इसीलिए हम सभी लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है। और जैसे यहाँ पे बताया गया कप पहला डेमो जो वर्ल्ड कप में 1936 में हुआ था, और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इसे ओलंपिक में भी लेके जाए। और जैसे हम सब हमारे देश के लोग जो सपना देख रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक इंडिया में होने वाला है, और तब हम ये खेल ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट कर पाए। कि खो-खो का खेल ओलंपिक में पहुंचे जरूर पूरी होगी, और उनका डिटर्मिनेशन, उनकी हिम्मत और उनकी क्रिएटिविटी देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि हम खो-खो को विश्व पटल पर ले जाएंगे और इसमें भारत का नाम होगा, भारत की मिट्टी की खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। रंग बिरंगी रोशनी और उमंग और उत्साह के साथ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से, भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने खो खो विश्व कप 2025 के लोगों का अनावरण किया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व कप लोगो और टैग लाइन द वर्ल्ड गोज खो का अनावरण किया गया। समारोह के दौरान महाराष्ट्र और शेष भारत की टीम के बीच एक प्रदर्शनी मैच भी खेला गया, जिसे महाराष्ट्र ने 26-24 से जीता। भारत के इस खेल खो खो का पहली बार वर्ल्ड कप होने जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 तक खो खो वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इस खो खो वर्ल्ड कप में 24 देशों की 32 टीमें हिस्सा लेंगी। महाभारत कालीन इस खेल को आज दुनिया के पटल पर लाने की जोरदार कोशिश की जा रही है। इस खेल के आधुनिक स्वरूप की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी, जो कि आज दुनिया के सभी महादेशों तक पहुंच चुकी है। विश्व के खेल इतिहास में खो खो की एंट्री 1936 से मानी जा सकती है, जब 1936 ओलंपिक के डेमो गेम में इसे खेला गया था। और अब खो खो फेडरेशन का लक्ष्य है कि 2032 में होने वाले ओलंपिक में इस खेल को शामिल किया जाए। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लोगों का अनावरण करते हुए रजत शर्मा ने कहा कि आज गली के इस गेम को ग्लैमरस बना दिया। वह दिन दूर नहीं है जब इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को हम विज्ञापन में देखेंगे, उनके जीवन में ग्लैमर आएगा। खो खो को वर्ल्ड लेवल का बनाने के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। खो खो अब मिट्टी पर नहीं मैट्स पर खेला जाता है, इसके लिए एक स्पेशल मैट तैयार किया गया है। खिलाड़ियों की संख्या में भी 9 से घटाकर 7 कर दी गई है। खेल के नियमों में भी अनेक तरीके के बदलाव किए गए हैं। इस खेल में रेफरी, रिव्यू और रीप्ले को इंट्रोड्यूस करके इसे वर्ल्ड लेवल का बना दिया गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने इस मौके पर कहा कि खो खो हमारे देश की मिट्टी का खेल है, इसलिए हमें इस खेल को मैट पर लाने पर बहुत गर्व है। खो खो एक इंटरनेशनल खेल बन जाए, हमने सबसे पहले अल्टीमेट खो खो लीग के माध्यम से खेल को इसके प्रशंसकों तक पहुंचाया, और अब पहले खो खो वर्ल्ड कप के साथ अगले चरण पर ले जाने का समय आ गया है। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल
खड़से ने कहा, भारत सरकार कई स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दे रही है और 2025 में खो खो वर्ल्ड कप के उद्घाटन एडिशन की मेजबानी करना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर इज माई ट्रिप के सीईओ और सह संस्थापक निशांत पिट्टी ने कहा, हम 2025 में पहले खो खो वर्ल्ड कप के लिए भागीदार बनने के लिए बहुत खुश हैं। यह आयोजन न केवल खो खो की गतिशील भावना को प्रदर्शित करने में बल्कि ओलंपिक और एशियाई खेलों में इसे लाने की आकांक्षाओं के साथ वर्ल्ड लेवल के मंच पर भी बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। ईरान की एक लड़की भारत के ओर आकर कबड्डी करती थी, इतने में वो जो मुंह में डालती है हिजाब वो गिर गया, तो इतनी भयभीत हो गई है क्योंकि उनके ट्रेडिशन में हिजाब के बिना महिला नहीं था कि वो चेहरे पे एक डर नहीं मृत्यु का डर था। तो तुरंत उसने अपने सारे खिलाड़ियों को बताया कि इसको घेर दो और पूरे ढक दो और उसे कहा कि तुम पहले अपने हिजाब पहनो और फिर से वापस हमें पकड़ने के लिए आई। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।